दोस्तों आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। आज हम बायोलॉजी के लेटर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हर एक मनुष्य एक मिनट में दिल कितनी बार सांस ले सकता है? इसका सही आंसर है बी, 16 से लेकर 18 तक। 16 से 18 तक जो कि एक मनुष्य एक मिनट में सांस ले सकता है। इसी के साथ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि वो होती है जो कि मनुष्य किसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के लिए क्या जाता है। इसी के साथ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मनुष्य सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है ए, उसका रक्त दाब जो कि घटता है जब कोई मनुष्य कुछ सोता हुआ होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में दिल की धड़कन एक बार में कितना धड़कन में समय लगता है? इसका सही आंसर है 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड जो कि मनुष्य के शरीर में दिल की धड़कन में समय लगता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मनुष्य किसी दौड़ में दौड़ता तो उसका रक्तचाप कितना हो जाता है? इसका सही आंसर है सी, उसका रक्तचाप जो कि बढ़ जाता है। कोई भी मनुष्य जब भी किसी दौड़ में या किसी भी दौड़ता है तो उसका रक्तचाप जो कि अपने आप ही बढ़ जाता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दिल क्या क्या काम करता है? इसका सही आंसर ए, पंपिंग स्टेशन की तरह। वो पंपिंग स्टेशन की तरह होता है जो कि सभी शरीर में खून की सप्लाई करता है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? इसका सही आंसर है सी, 2 अरब बार। 2 अरब बार जो कि एक स्वस्थ मनुष्य का दिल एक बार में धड़कता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वसिक में सख्त औसतन आयतन कितना होता है? इसका सही आंसर है बी, 5 से लेकर 6 लीटर तक जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के वसिक के रक्त औसतन आयतन होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर पीएच क्या होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, 7.4 जो कि होता है एक स्वस्थ मानव का रुधिर। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एक रुधिर बैंक का क्या काम करता है जिसे हम इंग्लिश में ब्लड बैंक भी कह सकते हैं? इसका सही आंसर है ए, वह प्लीहा का काम करता है जो कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में पाए जाने वाली धातु क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ए, लोहा। उसे हम लोहा कहते हैं जो कि एक मानव के शरीर में पाए जाने वाली धातु होती है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण का क्या होता है? इसका सही आंसर है डी, इसे सभी फेफड़े किडनी और यकृत सभी जो कि रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या होता है? इसका सही आंसर बी, 120 दिन। 120 दिन जो कि एक मनुष्य के लाल रक्तकाओं का कोशिकाओं का जीवन काल होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य की नाड़ी हर कहाँ से मापा जाता है? इसका सही आंसर है सी, धमनी में। उसके हर एक मनुष्य की नाड़ी को धमनी से नापा जाता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है सी, अर्थित्वमज्जा। अर्थित्वमज्जा के द्वारा जो कि एक लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न होती है। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लाह रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर है सी, 130 दिन। 130 दिन जो कि एक मनुष्य की लाह रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर किस जगह पर किस प्रकार का रक्त नहीं होता? इसका सही आंसर है सी, किसी भी मनुष्य के किसी भी पुतली पे जो कि मनुष्य के शरीर में कोई भी रक्त नहीं होता। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी एक मनुष्य की आर की पुतली में ज़्यादा रोशनी पड़ने पर क्या फर्क होता है? इसका सही आंसर है उसका आकार छोटा हो जाता है। जब भी कोई मनुष्य की आर की पुतली होती है ज़्यादा रोशनी पड़ने पर उसका फर्क होता है उसका आकार छोटा हो जाता है। इसी के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर किस जगह पर किस प्रकार का रक्त नहीं होता? इसका सही आंसर है जी, जो कि पुतली में। कभी भी किसी मनुष्य के शरीर में कभी भी जगह पुतली पर चिके रक्त नहीं होता। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों पर किस बीमारी के कारण निग्न दोष का प्रतिबन क्या बनती है? इसका सही आंसर है जी, रेटिना के पीछे। रेटिना से पीछे जो कि आंखों पर किसी बीमारी के कारण निग्न दोष का प्रतिबन बनता है।